नमस्कार, ए टू जेड डिशेस उषा कोरजानी में आप सबका स्वागत है। आज इस वीडियो में मैं आपके साथ शेयर करने जा रही हूँ हमारी सिंधी स्पेशल बहुत ही टेस्टी सेल भाजी। ये बहुत ही टेस्टी बनती है, रोटी या फिर राइस के साथ इतनी बढ़िया लगती है ना, हम सिंधी इसे बहुत ही बनाते हैं, तो आप भी इसे एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। उसके लिए आपको चाहिए भिंडी, आलू और यहाँ पर सेजन की फली, प्याज, बैंगन। बैंगन और प्याज पर इस तरह से कट लगा लेने और भिंडी पर भी आलू को इस तरह से छीलकर गोल काट लेना है और सेजन की फली बस छीलकर रख देनी है। अब ओखली में हम डालेंगे एक प्याज, दो हरी मिर्ची, एक अदरक का टुकड़ा, थोड़ी सी लहसुन और इसे ओखली में आपको दरदरा कूटना है। आप इसे मिक्सर में भी कर सकते हैं, दरदरा पीस लीजिए, पर ओखली में कूटे हुए का काफ़ी बढ़िया स्वाद आता है। अब एक कढ़ाई में हम डाल देंगे तेल 2 से 3 चम्मच जितना, जैसे ही गर्म हो जाए ना तो आधी चम्मच जीरा, और ये कूटा हुआ डालने के बाद इसे अच्छे से भूनना है धीमी आंच पर। अच्छे से ये भून जाए तो इसके अंदर डालने हैं 2 पीसे हुए टमाटर और इसे भी अच्छे से इसके अंदर मिक्स कर ले। मिक्स करने के बाद इसके अंदर हमें डालना है स्वाद अनुसार नमक, आधी चम्मच धनिया पाउडर, आधी चम्मच लाल मिर्च पाउडर, 1/4 चम्मच हल्दी पाउडर और 1 से 2 मिनट तक इसे पकाना है। मसाले तेल पर आ गए हैं तो बस इस तरह से इसे प्लेट में निकाल लेना है और थोड़ा सा कढ़ाई में रख देना है। थोड़ी सी ये चटनी कढ़ाई में ही रख देनी है और इसके अंदर डाल देने हैं आलू। इस तरह से ये गोल मैंने काट लिए थे कच्चे आलू को छील कर, और ये सेजन की फली डाल देनी है और हरी मिर्ची डाल देनी है 3। इसे अच्छे से मिक्स करना है और 1 कप जितना इसके अंदर पानी डाल देना है। फिर से मिक्स करना है और ढककर धीमी आंच पर इसे पकने देना है। तो जब तक ये पक रहे हैं, जिस पे हमने ये बैंगन पर, प्याज पर और भिंडी पर कट लगा के रखे थे ना, इस पर ये जो बनाई हुई चटनी है जो हमने निकाल के रखी थी वो अच्छे से भर देनी है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं बैंगन पर, इसके अंदर प्याज पे भी मैंने आधे तक कट लगाने हैं, पूरे पूरे तक नहीं, और भिंडी पर भी सारे में मैंने अच्छे से भिंडी, प्याज और बैंगन के अंदर भर दिया है धीमी आंच पर 3 से 4 मिनट तक। इसे भी पका लिया है मैंने आलू और सेजन की फली को। अब इसके अंदर ये बैंगन भी रख देंगे, भिंडी, प्याज सभी रख देंगे और बस इसे ढककर हमें अच्छे से पकाना है धीमी आंच पर तकरीबन 4 से 5 मिनट तक। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4 से 5 मिनट हो जाए तो बीच बीच में इसे चेक करते रहें, और इसे टोटल मैंने पकाया 6 से 7 मिनट तक। बीच में मैंने चेक कर लिया 4 से 5 मिनट के बाद और इसे पकाने की ज़रूरत थी तो मैंने और इसे पकाया, तो पूरा मैंने इसे 6 से 7 मिनट तक पकाया है। और लीजिए, बनकर तैयार है ये सिंधी स्पेशल सेल भाजी। बहुत ही टेस्टी लगती है, रोटी के साथ खाएं या ऐसे या चावल के साथ, इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। मुझे कमेंट्स बताएं कैसी लगी रेसिपी। अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। आज के लिए बस इतना ही, कल फिर मिलती हूँ, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।